Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Hey everyone, welcome back. I hope all are doing well. शो घर के काम तो सभी के पास रहते हैं, उनको कैसे करना है वो हमें डिसाइड करना है. आज के इस वीडियो में मैं अपने घर की सफाई क्लीनिंग के साथ साथ कुछ ऐसे डेकोरेटिंग आइडियाज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप क्लीनिंग के बाद जो आपके पास वेस्ट पर बचता है ना उससे मिलते हैं. यानी आपके डिब्बे पड़े, बोटल्स पड़ी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फेंकते हैं कचरे की बाल्टी में, बट उसी कचरे की बाल्टी में ना फेंक के आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ तो मैं शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने घर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेकोरेट कर सकते हैं. आप अपने घर को कैसे मेंटेन डेकोरेट करेंगे इसकी सारी टिप्स मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ. आज के वीडियो में भी काफ़ी सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएंगे. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. शो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मेरा घर हर टाइम ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. रात में क्लीनिंग के करने के बाद भी घर की हालत आपने देख ली ना कैसी होती है, ऐसी ही होती है. पूरा सामान, बेडरूम सबसे ज़्यादा बिखरा होता है बेडरूम, और तो सब कुछ क्लीन होता है. अब बेडरूम मैं क्लीन तो करती हूँ बट वो बिखर जाता है, उसकी क्लीनिंग की है. और यहाँ पर कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपको कुशन का लुक चेंज करना है ना तो आप इस तरह के किसी भी कपड़े का यूज़ करिए. कुशन को जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी पैटर्न में कुशन के ऊपर इस कपड़े को रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है. इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ लंबी वाली कुशन होती ना उसका हैक शेयर किया था और आप छोटी वाली का, और बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है. अंदर से मैंने एक चूड़ी डाली, ऊपर से एक रिबन लगाई और ये देखिए कितना अच्छा कुशन कवर बन गया है, बहुत ही प्यारा लगता है. आप इसको सोफे पर रखिए या फिर बेड पर रखिए, बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेगा. बस आपके पास कोई भी चुन्नी हो या कपड़ा हो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न बस अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे. तो यहाँ पर मैंने एक चुन्नी से भी बनाया है, सेम वही पैटर्न किया है बट ऊपर से मैंने इसमें चूड़ी नहीं लगाई है, सिंपल सी जो नॉट होती है ना वही बांध दी है, गांठ टाइप की बांध दी है. और ये देखिए बहुत जल्दी से बार बार चेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका बेड या सोफा बहुत अच्छे से डेकोरेट भी हो जाएगा. आइडिया को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है. Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, cause we are. हम जब भी डेकोरेट करते हैं तो हम महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की सोचते हैं कि भाई कुछ और हो मैं डेकोरेट कर सकूं, बट आप 20 रुपए की चीज़ में भी अच्छे से फ्लावर पॉट लगा सकते हैं, फ्लावर्स या प्लांट्स लगा सकते हैं. ये 20 रुपए का है और इसमें मैंने रख दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है. इस साइड में मैंने एक रैक रखा है, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता है क्योंकि देते पूरे दिन फैलाती है, तो मुझे बार बार बिल्कुल सही से रखने का टाइम नहीं मिलता है. तो मैंने एक ड्रॉअर कर दी ताकि जितना भी सामान मुझे बेडरूम में दिखे फैला उसको मैं अच्छे से और लगा सकूँ, हाइड रहे. यानी अब वो ऑर्गेनाइज तो कभी रहना नहीं है क्योंकि उसे हर 10-10 मिनट में फैलाना है. तो रूम की सारी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर अभी मैंने मेड लगा रखी है क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, तो उस हाउस हेल्पर के बिना पॉसिबल नहीं है कि पूरे घर की मैं डेली क्लीनिंग कर सकूँ. और जब डेली झाड़ू पोछा नहीं होगा ना तो घर गंदा लगता है. इसी के साथ साथ दित्या को भी बहुत सारा टाइम देना होता है, पूरा दिन ही देना होता है, तो उसको थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम बिताकर और मैं यहाँ जो मेरा वेस्ट निकला था उसको मैं यूज़ कर रही हूँ. जितने भी कंटेनर्स थे, बोटल्स थी, फूटी हुई ये कढ़ाई थी मिट्टी की, इनको सबको मैंने रख दिया था कि मैं इनको रीयूज़ करूँगी और बहुत सुंदर सुंदर से डेकोरेटिव पीस बनाऊँगी. तो सभी पे मैं कलर कर रही हूँ, एक्रेलिक कलर या आपके पास इनेमल कलर होना तो वो भी कर सकते हैं, बॉल वाले कलर रखे हों वो भी कर सकते हैं, ऑयल पेंट भी कर सकते हैं. तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप बिगनर्स हैं और आपको घर को सजाना है, डेकोरेट करना है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. बस आपको एक ब्रश का पैकेट लेना है इस टाइप के और कुछ कलर्स लेने हैं, यानी आप एक्रेलिक कलर का एक डिब्बा ले लीजिए,
200 में आ जाता है और सारे कलर उसमें अवेलेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो छोटी छोटी पेंटिंग करिए और उससे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करती हूँ, मैं जितना भी मेरे घर में आप सामान देखते होंगे डेकोरेटेड वाला, वो सारा DIY ही होता है। तो सभी को मैंने सिंपल से एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। एंड ब्रश से पेंट करने के बाद मैंने यहाँ स्पॉन्ज की हेल्प से पेंट किया है, इससे यहाँ ब्रश के निशान नहीं दिखते हैं और बहुत अच्छे से कलर भी हो जाता है। तो मैं जहाँ बैठी हूँ उसको बैठने पर भी ध्यान नहीं देना, आप चीज़ों पर ध्यान देना कि मैं कैसे बना रही हूँ। मैं तो सिंपल सी कहीं पे भी बैठ के काम करने लग जाती हूँ, जो मुझे घर के काम करने होते हैं। तो मैं बाहर एरिया में बैठी हूँ, अपने पोर्च एरिया में वहीं पर बना रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल खुले में बनाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बलिया फैला फैला के सारा कुछ बना लो। तो यहाँ पर मैंने सारे ही पेंट कर लिए हैं, धूप आ रही थी तो जल्दी से सूख गए हैं। एक कोट करने के बाद सभी पर वाइट कोट किया है एक्चुअली, और डबल कोट के लिए आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें, पेस्टल कलर या कोई भी कलर, वो आप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने अधिकतर DIY में येलो कलर किया है क्योंकि मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। कलर ब्राइट सा हो जाता है ना, तो लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत सिंपल DIY कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसी तरह के कलर का यूज़ किया है, क्योंकि सभी पे मुझे फेस टाइप के पैटर्न ड्रॉ करने हैं जो काफ़ी क्यूट टाइप के लगते हैं। और यहाँ पर एक और मैंने बोतल का कैप लिया है और उसको फेविबॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर दिया है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं ना, प्लास्टिक की होल्डिंग की बोतल तो आपके पास आती होंगी, उनको रीयूज़ करके आप बना सकते हैं। तो Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. और आप इनको बनाने के बाद का लुक देखिएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ अच्छा सा देखना है, तो कितने क्यूट क्यूट ये बन जाते हैं। सभी पर मैंने फेस ड्रॉ कर लिए हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी मुझे लग रहे चाहिए थे वैसे कर लिए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इंस्टाग्राम ID पर शेयर कर दूँगी इन सब की फ़ोटोज़, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम ID मेरा ज़रूर आप वहाँ पर फॉलो करिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। आपको वहाँ पर भी काफ़ी सारे लाइव अपडेट्स और काफ़ी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. वो सारे पेंट हो गए हैं और यहाँ पर जो फूड कंटेनर्स थे उनको, वो एक ही पैटर्न के थे ना, तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना था, तो मैंने सिंपल येलो कलर किया और डबल कोट किया है और क्यूट क्यूट सी स्माइली फेस बना ली है इस पर, बहुत सुंदर लगते हैं। इनको ज़रूर एक बार बना के देखिएगा, आपका जो बैकग्राउंड का लुक है वो भी बहुत अच्छा देगा। और यहाँ पर मैं वार्निश कर रही हूँ, वार्निश के लिए मैं जो वुड वाला वार्निश आता है उसका यूज़ करती हूँ। क्राफ्ट वार्निश काफ़ी महंगा पड़ता है और उतना छोटी सी डिब्बी आती है 250-300 की और इतनी बड़ी डिब्बी आती है 70 रुपए की, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बस वो 10 मिनट में सूख जाती है, इसको एक दिन या आधी रात या मतलब 4-5 घंटे लग जाते, धूप में रख दो तो 3 घंटे में आराम से सूख जाता है। तो
सभी पर वार्निश करने के बाद ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, और जितने भी प्लांटर्स मैंने बनाए हुए थे उनको होल करना है। तो होल करने के लिए सिंपल गैस चलाइए और कोई भी ऐसा लंबा सा तार या फिर इस तरह का पेचकस रख दीजिए, उससे आराम से इसमें होल हो जाते हैं और पानी का लीकेज भी होता रहेगा ईजली। Even if it was, we'd just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up. जो इस तरह की डॉल्स बनाई थी मैंने, तो उनको मैं अपने ही घर पर रखे हुए रिबन्स को यूज़ कर रही हूँ, जो हम लोग पौनी लगाते हैं बालों में उनका यूज़ कर रही हूँ इनके हेयर बैंड्स लगाने के लिए। इनमें भी मैंने दो होल किए हैं ताकि रोप को मैं ऊपर से हैंग कर सकूँ, तो इस तरह से ईजली हो जाते हैं। और ये देखिए अभी इसका लुक दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा है। इनमें मैंने छोटे छोटे जेट पैंट्स भी ऐड कर दिए हैं, और इनको मेरे बाहर साइड में एक इस तरह का खम्बा टाइप का लगाया, तो उस पर दो कील लगाकर और मैंने इनको हैंग कर दिया। बिल्कुल एंट्रेंस पे लगे होंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। ये देख रहे हैं ना कितने सुंदर लग रहे हैं। We already are addicted to the ride. सेम मैंने इन पिक्स में डाल लगा दिए हैं छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से प्लांट। एक में मनी प्लांट है, एक में टाइगर प्लांट है, और इसकी छोटे छोटे से मैंने क्या है ना पानी में ग्रो कर लिए थे, तो रूट्स भी आ गई हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। फूड कंटेनर्स में मैंने चॉकलेट्स वगैरह डाल के रखती हैं, अभी दिखेंगी भी नहीं और ये यूज़ भी हो गए हैं। तो लग रहा है ना काफ़ी सुंदर, आप इनसे अपने घर को किचन को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बॉल डेकोरेट करनी थी मुझे, इसकी DIYs मैंने पहले वीडियोज़ में शेयर किए थे। पुराने घर में मैं यूज़ किया करती थी, उनको निकाल कर ले आई थी, तो इनको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये देखो ये बॉल भी काफ़ी सुंदर लगने लग गई है। तो ये छोटे छोटे कार्डबोर्ड के DIY हैं जो बिल्कुल कम समय में जाते हैं और बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होता है। इन DIYs को आप जरूर ट्राई करिएगा। ये वाली जो बॉल डेकोर है ना, आपको लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या DIY आप प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लीजिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये सुंदर सा घर को मैंने सजा दिया है थोड़े बहुत चीज़ों से, और कुछ फोटोज़ थी तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पिंस लगे हुए थे, की लगी हुई थी, तो उन्हीं वहीं पर मैंने उनको लगा दिए हैं। ऐसे आप भी लगा सकते हैं, और इस तरह के DIYs तो जरूर ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।